आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अनार के फूल की। इस फूल के इतने सारे चमत्कारिक फायदे हैं, इसकी जो पुष्प कलिका हैं उनका सेवन 4 से 5 ग्राम तक ही आपको करना है। ये चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के साथ साथ आपके नाक की नकसीर, दांतों से खून आना, पेट के कीड़े, अतिसार और न जाने कितने सारे रोगों में लाभदायक है। तो चलिए विस्तार से अनार के फूल के फायदे देख लेते हैं। दोस्तों ये शरीर में झुर्रियों और मांस के ढीलेपन को दूर करता है। अनार के पत्ते, छिलका, फूल, कच्चे फल और जड़ की छाल सबको एक समान मात्रा में लेकर मोटा पीसकर दुगना सिरका तथा 4 गुना गुलाब जल में भिगो लीजिए। 4 दिन बाद इसमें सरसों का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। तेल मात्र शेष रह जाने पर छानकर बोतल में भरकर रख लें। इस तेल को रोज चेहरे पर या शरीर के अन्य किसी भाग पर मालिश कीजिए तो त्वचा की जो शिथिलता है उसमें लाभ होगा। इसके साथ ही जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, मांसपेशियां ढीली पड़ गई हों, उनके लिए भी ये तेल की मालिश बहुत लाभ पहुंचाएगी। अगर आपके नाक में नकसीर आती है तो आपको क्या करना है? अनार के फूल की 1 से 2 बूंद नाक में टपकाने या सुंघाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। ये नकसीर के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। या अनार के फूल और दूर्वा, समझ रहे हैं ना, दूर्वा, दूब नामक जो घास होती है उसका जो रस है उसको निकाल कर नाक में डालने से और तालू पर लगाने से गर्मी के कारण नाक से निकलने वाला खून का बहाव तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपके दांतों से खून आता है तो अनार के फूल छाया में सुखाकर बारीक पीस लीजिए। देखिए आपको धूप में नहीं सुखाने हैं, छाया में सुखाने हैं। और अब इसे मंजन की तरह 2 या 3 बार दांतों में मलने से दांतों से खून आना बंद होकर दांत मजबूत होते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो अनार के फूल का काढ़ा बनाकर उसमें 1 ग्राम तिल का तेल मिलाकर पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर अतिसार है तो अनार की कली 1 ग्राम, बबूल की हरी पत्ती 1 ग्राम, देशी घी से भुनी हुई सौंफ 1 ग्राम, खसखस या पोस्त के दानों की राख 3 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में 1 दिन में सुबह, दोपहर और शाम को दूध के साथ बच्चों को सेवन कराइए। बच्चों के दस्त का आना बंद हो जाएगा। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।